गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, टू वे स्लैब की बात हो रही थी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टू वे स्लैब पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम लोग टू वे स्लैब को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल एक छोटा सा डाउट तो था, वो टू वे स्लैब में क्या डाउट था कि क्या लेते हैं एल वाई और एल एक्स वाला। तो वो डाउट यही है कि वहां पे दोनों जगह पे क्या होगा। डाउट आईएस कोड में भी वही दिया है, एम एक्स और एम वाई दोनों के लिए। एम एक्स और एम वाई दोनों के लिए क्या मान होगा? क्या मान होगा? वही मान होगा, वही मान होगा, वही मान होगा क्या? अल्फा एक्स डब्लू इंटू एल एक्स का स्क्वायर और अल्फा वाई डब्लू इंटू एल एक्स का स्क्वायर क्या होगा? अल्फा एक्स और अल्फा वाई ही होगा, ठीक है। डाउट्स को क्लियर, एल एक्स दोनों कंडीशन में ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। निम्न आंकड़ों के लिए द्विदैशिक प्रतिलिपि, निम्न आंकड़ों के लिए, निम्न आंकड़ों के लिए टू वे स्लैब का अभिकल्पन करें। टू वे स्लैब का अभिकल्पन करें, निम्न आंकड़ों के लिए टू वे स्लैब का अभिकल्पन करें। निम्न आंकड़ों के लिए टू वे स्लैब का अभिकल्पन करें। स्लैब शुद्धालंबित है और इसके कोने जकड़े हुए नहीं हैं। स्लैब शुद्धालंबित है और कोने जकड़े नहीं हैं। कक्ष की माप 3.524 × 4 मीटर है। साइज ऑफ रूम क्या है? 3.5 मीटर × 4 मीटर है। 3.5 × 4 मीटर है। क्या दिया है? कक्ष की माप क्या दिया है? 3.5 × 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, कोने जकड़े नहीं है कि मतलब सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स नहीं है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। कक्ष की माप 3.5 × 4 मीटर दिया हुआ है और स्लैब पर क्या लिया है? लाइव लोड दिया है। लाइव लोड आ रहा है कितना? लाइव लोड आ रहा है 2 किलो न्यूटन। कितना लोड आ रहा है? लोड कीजिए, कितना आ रहा है? 2 किलो न्यूटन/मीटर का। एक टू वे स्लैब का अभिकल्पन कीजिए जिसकी माप, जिसमें कमरे की माप 3.5 × क्वेश्चन दिया हुआ है क्या?
एक कमरे की माप 3.5 मीटर × 4 मीटर है, जिस पर लाइव लोड 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड आ रहा है, तो उस पर स्लैब का अभिकल्पन करें। स्लैब का अभिकल्पन करें, माप दिया है, लोड दिया है, M20 ग्रेड है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा किसी क्वेश्चन का, फर्स्ट स्टेप क्या होगा किसी क्वेश्चन का गिवन डाटा है। स्टेप फर्स्ट, गिवन डाटा, ठीक, गिवन डाटा क्या होगा, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है क्या, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साइज दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है 3.5 × 4 मीटर। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, M20 ग्रेड दी हुई है, और FC के बराबर क्या होगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FP 415 दिया हुआ है, इसके लिए FY बराबर 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, इतनी चीजें दी हुई हैं। अब इसमें हम क्या कर लें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड टाइप्स ऑफ स्लैब, क्या निकाल लें, टू फाइंड टाइप्स ऑफ स्लैब, क्या निकाल लें, टाइप्स ऑफ स्लैब कैलकुलेट कर लें, टाइप्स ऑफ स्लैब कैलकुलेट कर लेंगे, या तो सेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, या टाइप्स ऑफ सेक्शन कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ सेक्शन। किसी का परिभाषा क्या होती है, किसी परिभाषा क्या होती है किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात अगर क्या होगा, अगर यह मान 2 से कम होगा, यह मान क्या होगा, 2 से कम होगा तो क्या होगा, टू वे स्लैब, यही तो है, यही तभी तो टू वे होगा। तो वह देख लीजिए, यह लंबाई क्या है, 4 / 3.5 के क्या मान आया, क्या मान आएगा, ठीक है, क्या मान आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.14 आ रहा है, 1.14 इज लेस देन टू, तो क्या होगा, हेंस डिजाइन एज टू वे स्लैब, टू वे स्लैब, ठीक है, किस तरीके से डिजाइन करेंगे, एज ए टू वे स्लैब डिजाइन करेंगे, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है, फायदा ठीक है, टू वे स्लैब टाइप्स ऑफ हो गया, हो गया पता। अब हमें नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करना है, क्या, टू एज्यूम थिकनेस, टू एज्यूम थिकनेस, डिजाइन कांस्टेंट भी कर सकते हैं, एज्यूम थिकनेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, एज्यूम थिकनेस होगी क्या, एज्यूम थिकनेस में क्या कैलकुलेट करेंगे, लेट अस टोटल डेप्थ डी बराबर मान लिया 150 mm,
क्या माना? लेट अस डी बराबर 150 mm और डी डैश बराबर क्या माना? 25 mm। आवरण मानते हुए डी बराबर क्या हो गया? 150 - 25, तो डी बराबर 125 mm कंसीडर करते हुए, 125 mm कंसीडर करते हुए, ठीक है ठीक है, 125 mm कंसीडर करते हुए क्या किया गया? 125 mm कंसीडर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट किया जाएगा। इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए एल एक्स और एल वाई के हिसाब से, ठीक है। माना एल एक्स कौन सी है शॉर्टर मान लिया जाए और एल वाई को लॉन्गर मान लिया जाए। एल एक्स को शॉर्टर और एल वाई को लॉन्गर मान लिया जाए, क्या माना जाए? एल एक्स को शॉर्टर और एल वाई को लॉन्गर माना जाए। तो एल वाई का मान 4.4 मीटर और शॉर्टर का मान है 3.5 कुछ है, 3.5। यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, एल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इफेक्टिव का मान क्या होगा? एल एक्स का मान 3.5 प्लस देखिए 0.125, वही ना फार्मूला क्या होता है, एल प्लस डी इफेक्टिव, यही ना, एल प्लस डी इफेक्टिव के होता है। तो यहाँ से एल एक्स इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 3.625 मीटर। आगे हम क्या निकालेंगे, एल वाई का इफेक्टिव का मान को यही होगा एल प्लस डी इफेक्टिव, 4 + d इफेक्टिव का मान, डी इफेक्टिव का मान क्या होगा 0.125, मान क्या आएगा 4.125 के, ठीक है, 4.125 के आएगा, क्या आएगा 4.125 के आएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ गए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा कि किसी एल एक्स और एल वाई में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों मान निकाल लीजिए, जैसे ये 4 है ये 3.5 है, हाँ, दोनों का इफेक्टिव लेंथ निकाल लीजिए। जो मान कम होगा, विच लेस जो होगा वही यम के वैल्यू में प्रोवाइड किया जाएगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रोवाइड करेंगे किसका मान निकालेंगे, यम का मान कैलकुलेट करेंगे, यम का मान जब कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों में से विच लेस जो मान होगा, उन दोनों में से जो विच लेस मान होगा, ठीक है, विचलेस मान होगा, उसे हम क्या करेंगे, वहां पे पुट करेंगे। इतनी चीजें हो गई, अगर इतनी चीजें हो गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, अभी समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड लोड कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड लोड। जल्दी जल्दी कीजिए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। टू फाइंड लोड, टू फाइंड लोड, लोड निकाल लेंगे। वेट में पहला क्या दिया हुआ है, सेल्फ वेट दिया हुआ है, सेल्फ वेट दिया हुआ है क्या, 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर सेल्फ वेट दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेल्फ करें, लाइव दिया है, लाइव लोड दिया हुआ है 2 किलो न्यूटन। सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लेंगे, सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लेंगे, एल इंटू बी इंटू एच इंटू डेंसिटी। एल बराबर 1 मीटर, बी बराबर 1 मीटर, एच बराबर 0.0 पॉइंट क्या रखेंगे, एल बराबर कितना रखेंगे, एच बराबर बताइएगा, एच बराबर क्या रखेंगे, एच का मतलब थिकनेस ऑफ लिंटेल, 0.1 क्या माने हैं, 150 ना, 0.15 माने हैं थिकनेस, इंटू डेंसिटी का मान 25। यहाँ से वेट कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या क्या मान हो जाएगा, क्या मान आएगा, इसका मान कैलकुलेट करके बताइए क्या मान आएगा। थिकनेस ऑफ लिंटल एच बराबर 150 रखेंगे, टोटल डेप्थ, ठीक है, 3 पॉइंट क्या आ रहा है, 3.75 टोटल वेट हो गया 5.75 के, ठीक है, टोटल वेट हो गया 5.75 के, 5.75 के हैं। अब फैक्टर लोड क्या होगा, फैक्टर लोड हो जाएगा, फैक्टर लोड 1.5 × 5.75 के, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, फैक्टर लोड बराबर क्या होगा, फैक्टर लोड का मान क्या आएगा, फैक्टर लोड क्या आएगा, फैक्टर लोड 5.75 × 1.5 कीजिए क्या आएगा, 8.625, ठीक है, ये आ गया 8.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, हो गया, इतनी चीज हो गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतनी चीजें हो गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए। जल्दी क्लास देखिए, क्लास जब भी रुक जाएगी तो समझ लीजिएगा कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे इन्वर्टर खराब हो गया है तो लाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, जैसे ही फ़ोन ऑफ हो जाएगा, मतलब क्लास वो होगी, फ़ोन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जी चाँद बाबू, आपको ईद मुबारक हो, ये लॉकडाउन है, अन्यथा की स्थिति में ज़रूर आते हैं, हम खुद मिस कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया, या W निकाल लिए, टू फाइंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट MU कैलकुलेट करते हैं, MU कैलकुलेट करते हैं, MU में जो कल कंफ्यूजन था, MU कैलकुलेट करने से पहले आप क्या निकालेंगे, लॉन्गर अपान लॉन्गर
डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान का रेशियो क्या है? शॉर्टर स्पान का रेशियो क्या था? लॉन्गर अपान क्या है? लॉन्गर क्या थी? 4.125 डिवाइडेड बाय 3.625 करने पे ये मान क्या आएगा? क्या मान आया था अभी? क्या मान आया था? ये लगभग 1. क्या आया था? 4.125 अपान 3.625 करिए, क्या मान आएगा? क्या मान आएगा? वन पॉइंट वन फोर आया। इस 1.14 से आपके बुक में टेबल दिया होगा अथवा क्वेश्चन में अल्फा एक्स और अल्फा वाई का मान दिया होगा, ठीक है। अब हमें फ्रॉम टेबल के द्वारा एज आईएस कोड 456 2000, ठीक है, एस आईएस कोड 456 2000 पेज नंबर 91 पे दिया हुआ है। अल्फा एक्स और अल्फा वाई का मान दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा एक्स और अल्फा वाई का मान दिया है, तो वहां से हम नोट कर लेंगे इसके लिए अल्फा एक्स और अल्फा वाई का है। आप पेज नंबर 91 पे टेबल नंबर 27 है, टेबल नंबर 27 पे आपको वहां से अल्फा एक्स और अल्फा वाई का मान मिल गया। क्या अल्फा एक्स बराबर क्या हो गया? अल्फा एक्स बराबर क्या हो गया? 0. वहां से वैल्यू ले लेंगे 0.0078 और अल्फा वाई बराबर हो जाएगा 0.0060 होगा। यहां से अल्फा एक्स और अल्फा वाई का मान फाइंड आउट कर लिए। किसका मान? अल्फा एक्स और अल्फा वाई का मान यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा और चीजें, हम इसको एक और दूसरे मेथड से पढ़ाएंगे जिसमें आईएस कोड की जरूरत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को अभी हम एक मेथड से और कराएंगे अगली क्लास में जिसमें आपको टेबल की जरूरत ठीक नहीं होगी, अपने तरीके से उसको किया जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी वेट करना है आपको दूसरे मेथड के लिए, ठीक है। यहां से अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू हो गई, एम एक्स का फार्मूला होता है अल्फा एक्स, एक्स एम एक्स का फार्मूला होगा अल्फा एक्स डब्लू इंटू एल एक्स का स्क्वायर। दोनों कंडीशन में एल एक्स ही होगा, मतलब जिसका मान यहाँ समझिएगा, यहाँ पे समझिए, और एम वाई बराबर होगा अल्फा वाई डब्लू इंटू एल वाई एल एक्स का स्क्वायर, एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह एल एक्स होगा, इस चीज को समझ लीजिएगा कैसे फार्मूला है एम एक्स का। एम एक्स बराबर अल्फा एक्स इंटू डब्लू, कोई दिक्कत नहीं, डब्लू दोनों में कॉमन। एल एक्स और एल वाई में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे समझिए, दोनों मान जो एल एक्स और एल वाई जो मान निकाले हैं, जो कैलकुलेट करे हैं, उन दोनों में से विच लेस जो होगा वही यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा? अल्फा एक्स और अल्फा वाई में जो मान कम होगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा एक्स शॉर्टर को माना गया है। आपको अगर नहीं कंफ्यूजन होगी अल्फा एक्स अल्फा वाई मानने में कोई दिक्कत होगी है, उसके लिए आपको क्या करना है? शॉर्टर वाली को समझ के चलना है। आपको शॉर्टर वाले का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अल्फा एक्स का मान क्या आया था, ठीक है, अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो हमें एम एक्स और एम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एम एक्स बराबर अल्फा एक्स का मान 0.078 इंटू डब्लू का मान क्या आया था? डब्लू का मान क्या आया था?
W का मान क्या कैलकुलेट किए थे हम लोग? बोलिए भाई, 8.625 इंटू एल एक्स मतलब 3.625 का होल स्क्वायर। यहाँ से एम एक्स और फिर एम वाई बराबर ले लीजिए, एम वाई की वैल्यू निकाल के, दोनों वैल्यू निकाल के बताइए। एम एक्स का क्या मान आया और एम वाई का? एम एक्स का मान क्या आया? 8. एम एक्स का क्या मान आया? 8.84 आया है, कुछ लोगों का 8.84 किलो न्यूटन मीटर। इसको कह दीजिए 8.84 इंटू 10^6। इधर से एमवाई क्या आएगा? एमवाई बराबर क्या आएगा? 6.8 किलो न्यूटन मीटर। तो 6.8 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम। दोनों मान यहां से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारी चीजें। एम वाई 11 कैसे आ रहा है? 0.060, 8.6, यहां पे 3.65 है, मान तो कम आएगा एम एक्स से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कीजिए जल्दी से, क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है, एम एक्स और एम वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, एम एक्स और एम वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट स्टेप होगा आपके साथ, क्या कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। क्या कैलकुलेट करेंगे? टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। जब हमने एम एक्स और एम वाई की वैल्यू निकाली है, अब इसमें से कौन सी वैल्यू एम के रूप में प्रोवाइड करनी है ये ध्यान देना है। विच ग्रेटर वाली वैल्यू, जो मान बड़ा होगा वही एम यू का मान यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। डिफेक्टिव के फार्मूले में क्या होगा? एम यू बराबर एम यू लिमिट के, यही तो होता है एम यू लिमिट के। एम यू का मान क्या होगा? एम एक्स व एम वाई में एम एक्स एंड एम वाई इन विच लेस, कौन सी इन विच लेस, जो मान इन दोनों में कम होगा वही लिया जाएगा एम यू। इन विच ग्रेटर ग्रेटर इन विच ग्रेटर एम यू लिमिट के, जो मान बड़ा होगा, कौन सा मान बड़ा होगा? 8.64 इंटू 10^6 बराबर कौन सी? 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर के। यहाँ पे फॉर
415 की बात हो रही है, यहाँ से डी बराबर हो जाएगा 8.64 × 10^6 डिवाइडेड बाई 0.138 इंटू एफ सी के का मान 20, बी बराबर 1000, बी बराबर 1000, डी का मान यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, डी का मान कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या आया, 46 आया, 56.59 आया, 56.59 आया, तो हम कह दें सेज सेज 60 mm और 25 mm कवर मान लें, क्या मान लें, 25 mm, ठीक है, कवर मान के कर सकते हैं, अथवा कह देंगे डी रिक्वायर्ड इज लेस देन डी अवेलेबल, हेंस हेंस सेक्शन सेफ, हेंस सेक्शन सेफ, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 120 मान के उसको कर देंगे, क्योंकि 90 हम मिनिमम रख सकते हैं, मिनिमम कितना 90 रखेंगे, यहाँ मान 56 आया है, 56 आया है तो ये मान उससे कम आया है, इसलिए हम उसको कितना रखेंगे, मिनिमम 90 रखेंगे, तो 90 हम माने हैं तो वही इससे अच्छा जो माने हैं उसी को हम लेके चलेंगे, तो हमारा सेक्शन क्या हो गया, सेफ हो गया, हेन सेक्शन इज सेफ हो गया, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करके थम्स अप करिए, नोट करके स्क्रीनशॉट करके थम्स अप कीजिए। आज टू वे स्लैब जैसे ही खत्म हो रहा है, समझ में आज आपके साथ ये दिमाग में बिठा लीजिए कि आपकी आरसीटी खत्म हो गई है, अब छूटे मूटे चैप्टर और यही सब कुछ बचा है, ठीक है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भैया हमारी आरसीटी लगभग 90% कोर्स कंप्लीट हो गया आरसीटी का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड AST मेन बार, मेन बार फार्मूला क्या होगा AST का, AST बराबर फार्मूला क्या होता है, AST का क्या बताया गया था, कल से सोच रहे हैं DSMS की क्लास लेने के लिए, आप लोगों की RCT अल्टरनेट अब कर दी जाएगी, अल्टरनेट रहेगी, ठीक है, अल्टरनेट रहेगी, कल से हो सकता है आरसीटी की क्लास, कल आपको आरसीटी न मिले लेकिन आरसीटी रैंक की चलेगी, क्योंकि आरसीटी अब खत्म हो गया है, परसेंटेज आप लिमिट पीटी से निकालते हैं, पीटी बराबर क्या होता है, पीटी बराबर 0.414414 एफ सी के इंटू एक्स यू मैक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई इंटू डी के, यहाँ से पीटी बराबर क्या हो गया, 0.414 एफ सी के का मान 20 इंटू इंटू एक्स एफ सी के एक्स यू मैक्स का मान 415 है, 415 के लिए, 415 के लिए 0.48 इंटू डी डिवाइडेड बाई 415 गुड़े डी, डी से कैंसिल हो गया, पीटी का मान क्या आया इंटू 100, पीटी का मान क्या आया यहां से, परसेंटेज ऑफ स्टील, जीरो पॉइंट नाइन फाइव परसेंट, 0.95% में आ गया, 95, 0.95% से कन्वर्ट कर दिया गया, 95 आया, अब यही पीटी बराबर क्या होता है, AST अपान BD इंटू 100
हंड्रेड के इंटू हंड्रेड के, यहाँ एसटी बराबर 0.95 इंटू बी का मान 1000 इंटू डी का मान क्या था? डी का मान क्या है? ए बी डी, डी का मान क्या है? 125 है, बी डी का मान 125 है, क्या हो गया? डिवाइडेड बाई एस, डिवाइडेड बाई किसके? 100 के, क्या मान आया? क्या मान आया एएसटी का? एएसटी का मान क्या आया? एस टी का मान क्या आया? 125, 1187 आ रहा है। बड़ा पी टी जाफो, एक बार फिर इसको चेक करिए। पी टी बराबर 100 करने पे ये मान 0.95 ही आ रहा है। क्या मान आ रहा है? परसेंटेज ऑफ स्टील क्या रखेंगे? पांडे, हाँ 125 है। एसटी का मान इससे अधिक आ रहा है, पीटी परसेंटेज ऑफ स्टील से यहाँ से इसका मान अधिक आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इससे कैलकुलेट कीजिएगा, इस फार्ले फार्मूले से कैलकुलेट कीजिएगा। इससे किससे कैलकुलेट करेंगे? इससे एम यू बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस वाई बार। वाई बार होता है यहाँ पे एम यू की जगह पे, एम यू का मान एम एक्स और एम वाई में जो बड़ा हो लेंगे, जो बड़ा ले लीजिए। इस तरीके से करिए तो 0.87 गुड़े एफ वाई का मान 415 गुड़े ए एस टी डी का मान क्या दिया हुआ है? 125 माइनस वाई बार 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स। ये एक्स यू मैक्स की जगह पे आप क्या रखिए? 0. इसको कैलकुलेट करके एक बार बताइए। 415 गुणे AST इंटू 125 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स की जगह पे 0.48 इंटू डी का होता है ना। एक्स यू मैक्स बराबर क्या होगा? एक्स यू मैक्स बराबर 0.48 इंटू डी होगा। डी का मान क्या होगा? 4 इंटू डी 125 होगा। ये मान कैलकुलेट करिए, क्या आएगा? क्या आएगा? इससे भी कैलकुलेट करके रखिए। क्या है, क्या है? इसका मान कैलकुलेट करके बताइए, इसका मान कैलकुलेट करके बताइए। एम यू की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? हमारा एम एक्स का मान जो आया रहा होगा, एम एक्स का जो मान आया था, सीधा इस तरीके से भी निकालेंगे, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस कैलकुलेशन को करने समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे जरा करके दिखाइए। 0.87 गुणे 415 इंटू एएसटी, इसको सॉल्व करके वैल्यू बता दीजिए मुझे, क्या आएगा? 0.42 इंटू 0.48 इंटू 125 क्या आएगा? नाइन्टी नाइन पॉइंट समथिंग आ रहा है।
इसकी वैल्यू बताइए, इसकी सिर्फ इसकी बताइए, 0.42 इंटू 0.48 इंटू 125 क्या मान आएगा? पच्चीस दशमलव समथिंग आ रहा है, 25 दशमलव समथिंग आ रहा है। अरे 99 किसी का आ रहा है, 125 में से माइनस करने पे 90 आ रहा है। जीरो पॉइंट एट सेवन गुड़े 415 गुड़े AST 125 माइनस, ये क्या मान आएगा? 0.25 के आ रहा है क्या? 25.2 के, ठीक है ठीक है, 25.2 दे के। MU का मान कौन सा बड़ा था? MU का मान क्या आया था? 47। जीरो पॉइंट फोर एट इंटू 0.42 इंटू 25 के इंटू 125 के, 125 के 25.2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 25.2 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये देखिए इसका मान क्या आएगा? 99। क्या आएगा? 0.87 गुड़े 415 गुड़े 99.8 इंटू AST के इंटू AST के इंटू AST के क्या आएगा? क्या आएगा? MY का मान क्या था? MX का क्या मान था? विच ग्रेटर वाला, बड़ा वाला मान क्या था? बड़ा वाला मान क्या था? क्या आया था? 8 पॉइंट समथिंग आया था ना, 8.84 इंटू 10 की पावर 6, 8.84 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहां से AST का मान आ गया 8.84 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.87 गुड़े 415 गुड़े 98.8 के। इसको सॉल्व करके हमें AST का मान बताइए क्या आएगा? AST का मान इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? AST का मान इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 8.84 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.87 गुड़े 415 गुड़े 98.8 के, ठीक है। क्या मान आया? 245, अभी सही आ रहा है इससे, ठीक है। 245 क्या आया? 245 या 200 कुछ आ रहा है, 245 mm² आया AST का मान, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, आपको फिर से ये चीज समझा देंगे, जो डाउट हुआ है इसको फिर से समझा देंगे, ठीक है, इसको फिर से समझा देंगे। स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी करिए, फोन चार्ज नहीं है। ठीक है, इसको इससे समझ लीजिए, ये समझिएगा क्या है। फाइंड AST मेन बार निकालना है, MU का फार्मूला होता है 0.87 FY AST D माइनस Y बार के, यही होता है ना।
एम यू की जगह पे कौन सी वैल्यू रखी जाएगी? एम यू की जगह एम एक्स व एम वाई में जो बड़ा हो, जो बड़ा हो, जो बड़ा हो, जो मान बड़ा होगा। मान कौन सा बड़ा था? एम एक्स बड़ा था। एम एक्स क्या होगा? बड़ा होगा, मान बड़ा था, जिसका मान क्या था हैं? क्या था? 8.84 इंटू की पावर 6, यही तो था। 0.87 एफ वाई ए एस टी के डी माइनस वाई बार की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वाई बार बराबर 0.48 इंटू डी के लिख सकते हैं, 48 इंटू डी के, ठीक है, 48 इंटू डी के। तो 0.48 इंटू डी का मान क्या है? 48 इंटू डी के, वाई बार का मान होता है, नहीं सॉरी, वाई बार बराबर होता है, वाई बराबर 0.42 इंटू एक्स यू के, 0.42 इंटू एक्स यू के, एक्स यू के। तो यहां पे लिख दिया 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स के, ठीक है। 8.84 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 0.87 गुड़े 415 गुड़े एफ वाई बराबर 415 हो गया इंटू ए एस टी, डी का मान 125 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू का मान क्या होता है? एक्स यू मैक्स बराबर 0.48 इंटू डी के। तो यहाँ पे 0.48 इंटू डी की जगह पे 125 रखा गया। यहाँ से 125 रखने के बाद क्या आएगा? इसके 125 रखने के बाद क्या आएगा, ठीक है, 125 रखा गया तो ये मान हो गया 8.84 इंटू 10 की पावर 6 बराबर 0.87 गुड़े 415 गुड़े ए एस टी 125 माइनस 25.2 के। यहां से ए एस टी को, ए एस टी बराबर कैलकुलेट हो गया 8.84 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.87 गुड़े 415 गुड़े 99.8 के। यहाँ से एएसटी का मान आया था आपका 247 समथिंग आपका एमएम स्क्वायर आया था, यही आया था आपका आंसर, ठीक है यही आंसर आया था, ठीक है। फिर से अगर जिसको वो नहीं समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेगा, स्क्रीनशॉट लेके समझ लेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लेगा, दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके समझ लेगा। अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहते हैं कि प्रोवाइड 10 mm फाइबर, प्रोवाइड 10 mm फाइबर, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले,
ठीक है। अब क्या हो गया, यहां से हमने कहा कि अब हम कितने को कह रहे हैं कि प्रोवाइड 10 mm फाई बार, प्रोवाइड 10 mm फाई बार, ठीक है, प्रोवाइड 10 mm फाई बार। तो स्पेसिंग बराबर क्या हो जाएगी, स्पेसिंग हो जाएगी स्मॉल AST इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल AST के, पहला फार्मूला, दूसरा 3 × D के, और तीसरा 300 mm, तीसरा 300 mm, ठीक है। इन तीनों में विचलेस कौन सा, विचलेस, ठीक है। AST बराबर पाई बाई 4 10² × 1000 डिवाइडेड बाई 247 के, क्या मान आएगा, 3 × 125 के, और 300, क्या मान आएगा, क्या आएगा, 317 आएगा। पाई बाई 4 300 स्क्वायर करिए, इसको क्या आएगा, तीन सौ सत्रह आएगा, चलिए ठीक है, हाँ 317 समथिंग आ रहा है, 317 mm². तो इन तीनों में से विचलेस कौन सा मान, विचलेस कौन सा लिया जाएगा, विचलेस। तो हम क्या कहेंगे, हेंस हेंस प्रोवाइड 10 mm फाई बार एट द रेट 300 mm, सेंटर टू सेंटर पे हम डालेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हेंस 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड ASD के डिस्ट्रीब्यूटेड बार, डिस्ट्रीब्यूटेड बार कैलकुलेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड बार कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी डैश का मान, डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, कैपिटल डी यही ना, कैपिटल डी -5/2, -5/2। हम यहां पर भी कहते हैं क्या, प्रोवाइड क्या करें, ये 10 mm ही कर ले रहे हैं, 10 mm फाइव बार, यही कल समझाया गया था, प्रोवाइड 10 mm फाइव बार। तो डी डैश बराबर हो गया क्या होगा, 125 -10/2 -10/2 के, प्रोवाइड क्या होगा, ठीक है, डी डैश का मान करेंगे। क्यों भैया, क्यों, यही सेक्शन बताया गया था ना, ये नीचे सरिया यहाँ पे पड़ी, इसका डी होता है, अब दूसरी वाली सरिया इसके ऊपर पड़ी है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये डी डैश निकालेंगे, ये डी डैश निकालेंगे। तो डी डैश बराबर क्या आ गया, 115 mm के, 115 mm के। यहाँ पे फिर करेंगे वही, यम बराबर 0.87 FY AST डी डैश -y बार के। एम यू का मान एम एक्स वाई एम वाई में जो कम हो, पहले वाले में क्या लिए थे, जो बड़ा है वो लिए थे, यहाँ पे जो कम हो वो लेंगे। तो यहाँ पे कौन कम है, एम वाई का मान कम है, एम वाई का मान क्या था, एम वाई का मान क्या था, कमेंट करके बताइए, एम वाई का मान क्या था, 0.87 × FY × ASD के, × ASD के, × ASD के, डी डैश माइनस
0.42 इंटू यक्स यू मैक्स के, यक्स यू मैक्स के क्या मान था? 6.8 था, 6.8 इंटू 10^6 के, तो 6.8 इंटू 10^6 बराबर 0.87 गुड़े 415 इंटू ASD इंटू ASD। डी डैश का मान क्या है? डी डैश का मान क्या है? 115 माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू 115 के इंटू एक्स यू मैक्स बराबर क्या होगा? एक्स यू मैक्स बराबर 0.48 इंटू डी डैश के यहाँ होगा, 48 इंटू डी डैश 0.48 इंटू 0.48 इंटू 115 के। यहां से हमें कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए यहां से ASD का मान क्या होगा? ASD का मान क्या होगा? ASD बराबर 6.8 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाई 0.87 गुड़े 415 गुड़े, ये मान सॉल्व करके बता दीजिए क्या आएगा? क्या आया ASD का मान कैलकुलेट करने के बाद? ASD का मान आया है 205। और किसी का आ रहा है? इसका मान 91 पॉइंट समथिंग आया, 91.81 आया, 91.81 आया। तो ASD का मान कितना आएगा? ASD का मान कैलकुलेट करके बताइए, ASD का मान कैलकुलेट करके बताइए क्या आया? 205 आ रहा है। ASD का मान कैलकुलेट कीजिए, ASD का मान आ गया 205 mm स्क्वायर। क्या मान आ गया? ASD बराबर 205 mm स्क्वायर हो गया, ठीक है, ASD बराबर 205 mm स्क्वायर हो गया। सॉल्व करके देख लीजिए क्या आ रहा है, 205 mm स्क्वायर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन्वर्टर खराब हो गया चांद बाबू, बहुत परेशानी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्यों है? ठीक है, ठीक है, हो गया इतना, स्क्रीनशॉट हो गया ना भैया? आप इतना समझ में आ गया, स्लैब आपके साथ हो जाएगा, टू वे स्लैब हो जाएगा। स्लैब हो जाएगा ना आपका। अब वही यहां पे हम क्या कर देंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। पहला फार्मूला स्पेसिंग का, पहला फार्मूला स्पेसिंग का, स्मॉल ASD इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल ASD के, दूसरा 3D के, और तीसरा 300 mm। ASD है पाई बाय 4 10 का स्क्वायर गुड़े 1000 डिवाइडेड बाय 200, क्या था? 205। और ये मान आया 3 इंटू 115, ये हो गया 345, ये हो गया 300 mm। ये मान कैलकुलेट करिए क्या आएगा,
ये मान क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताइए, स्पेसिंग का, स्पेसिंग का ये मान क्या कैलकुलेट करके आएगा। पहला वाला पाई बाई फोर टेन का स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 384, 384 mm स्क्वायर, mm ये mm, इन तीनों में से विचलेस कौन सा, विचलेस जो मान कम होगा, तो यहां लिखेंगे हेंस प्रोवाइड 10 mm फाइव बार एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है भैया, स्लैब खत्म हो गई। अगला स्टेप, स्टेप नेक्स्ट चेकिंग करिएगा, चेकिंग नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद फिगर, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद फिगर होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए और उसको वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या टू वे स्लैब आप लोगों को समझ में आ गया, टू वे स्लैब आ गया, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, स्लैब खत्म हो गया है, टू वे स्लैब वो भी गया। एच यू मैक्स में क्या दिक्कत है, एम यू मैक्स में क्या दिक्कत है, ठीक है, यहां से सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। आपको ज्यादा उसको कैलकुलेशन को लेंदी नहीं बनाना है, एमयू एक्सयू मैक्स की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सयू मैक्स की प्रोवाइड कर सकते हैं सेक्शन बैलेंस सेक्शन मानते हुए, कोई डिजाइन बैलेंस सेक्शन मानते हुए किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज दो मिनट और ध्यान से देख लीजिएगा, फिगर, दो चीजें फिगर ध्यान से देखिएगा, क्या नेट की प्रॉब्लम हो गई, नेट की प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से देख लीजिए, यहां पे दो फिगर बनेंगे, दो फिगर बनेंगे एल एक्स और एल वाई के, एक शॉर्टर के लिए एक लॉन्गर के लिए, क्योंकि देखिए देखिए दोनों बार बेंट अप की जा रही है, कैसे बेंट अप की जा रही है, कैसे बेंट अप की जा रही है, इसको भी बेंट अप कर रहे हैं, इसको भी बेंट अप कर रहे हैं और इसको भी बेंट अप कर रहे हैं, इसको भी बेंट अप कर रहे हैं, हाँ इसको भी बेंट अप कर रहे हैं, दोनों को बेंट अप कर रहे हैं। जब यहां से देखेंगे, जब यहां से देखेंगे तो ये मेन बार दिखेगी बेंट अप के रूप में, और जब इधर से खड़े होके देखेंगे तो ये बेंट अप में दिखेगी और ये पॉइंट में दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, तो हमारे साथ दो फिगर हमको बनाने होंगे, कौन सा देखिए, यही फिगर दो बार बनाना होगा, दो बार फिगर बनाना होगा, कैसे, ऐसे, ये देखिए,
ये हो गया ये, ठीक है। अब ये कौन सी है, मेन बार किसमें डाली जाएगी, शॉर्टर में डाली गई होगी मेन बार। ये मान लिया क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ क्या थी, इफेक्टिव लेंथ मान लिया 3.625 थी, 3.625 यही तो थी, ठीक है। इसमें क्या है, मेन बार नीचे, मेन बार है ठीक है, मेन बार है ठीक है, 10 mm फाइबर, 10 mm फाइबर एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। और यहां पे जो पड़ी है, ये जो पड़ी है ये पॉइंट में पड़ी है, ये पॉइंट में पड़ी है, ये पॉइंट में पड़ी है, ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटेड बार, डिस्ट्रीब्यूटेड बार यही ना, ठीक है यही है ना। और फिर यही फिगर एक बार और बनेगा, यही फिगर और बनेगा कैसे, यही फिगर एक बार और बनेगा, ये देखिए, अब क्या हो गई, अभी तो हम खड़े होके देख रहे थे, अब बेड़े होके देख रहे हैं, मतलब दूसरी दिशा से देख रहे हैं, दूसरे पोजीशन से देख रहे हैं, एक बार ऐसे देखा एक बार ऐसे देख रहे हैं। अब जो ये मेन बार थी, अब क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड बार नीचे आ गई, अब क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड बार नीचे आ गई कि नहीं, पॉइंट में दिखेगी डिस्ट्रीब्यूटेड बार, ठीक है। अब पॉइंट्स में दिखेगी, इसका फिगर अलग हो जाएगा किस तरीके से, ये हो गई ये, ये लंबाई क्या हो जाएगी, अब 4.125, 4.125। अब ये जो खड़ी दिख रही है ये कौन सी बार हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड बार, ये डिस्ट्रीब्यूटेड बार। और यहाँ पे जो पॉइंट्स में दिख रहे हैं, जो पॉइंट्स में दिखेंगी ये कौन सी हो गई, अब ये मेन बार हो गई, बस यही अंतर होगा। दो फिगर यहाँ पे बनेंगे, एक बार मेन बार पॉइंट में दिखेगा, एक बार पॉइंट में मेन बार दिखेगा, एक बार पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूटेड बार दिखेगा, एक बार उसकी लंबाई दिखाएंगे इफेक्टिव, एक बार उसकी दिखाएंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, समझ गए ना, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। आज से आप लोगों की आरसीटी की क्लास अल्टरनेट होगी, जैसा भी होगा ठीक है, आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा अगर कल आरसीटी की क्लास होगी तो। आरसीटी अब समझ में आ गया ना सबको, क्लियर हो गया सारी चीजें, हाँ मेथड सेकंड पढ़ाएंगे, एग्जाम में कोड अलाउ है लेकिन पहले कभी कभी दिया जाता था, हम लोगों के टाइम में पूरा कोड दे दिया जाता था, लेकिन अब एग्जाम में सिर्फ पेज दिया जाता है, जिस पेज की जरूरत होती है बस वही पेज आपको निकाल के दिया जाता है। करवा दी जाएगी सारी चीजें, हाँ इसकी ड्राइंग भी है, स्लैब की ड्राइंग है, स्लैब की ड्राइंग भी पढ़ाई जाएगी, मेथड सेकंड पढ़ाने के बाद ड्राइंग भी पढ़ाई जाएगी। और कुछ चलें, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। सर्वे भी पढ़ाएंगे, ठीक है देख लिया जाएगा। कहाँ जाना है, चलिए जहाँ लिवा चलिए, हम चलने को तैयार हैं। चार बाबू अचार नहीं मिल रहा है तो आप कह रहे हैं,
प्रतापगढ़ वाले अचार ही नहीं खिला रहे हैं। चलिए ठीक है, बाय, मिलते हैं। अरे नहीं आएंगे, प्रतापगढ़ आए तभी तो मिलेगा, भेज दीजिए। बाय बाय।